चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हाई एवरी वन माई नेम इज कृतिका एंड दिस इज ओ टू आई एस अकेडमी तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपने रिविजन कोर्स के साथ में और जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के पिछले एक साल के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं कैटेगरी वाइज देख रहे हैं इससे पहले पीपल एंड प्लेसेस इन न्यूज़ देखा आर्ट एंड कल्चर जो भी फेयर्स फेस्टिवल्स थे देन हमने एग्रीकल्चर के जो भी न्यूज़ रहे हैं आज हम पार्ट टू कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी कि पिछले एक साल में कौन कौन सी नई चीजें हिमाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्ट की गई इनग्रेट की गई या फिर उनके फाउंडेशन स्टोन रखे गए ये जो न्यूज है ये आपके प्री और कुछ जो है एंड में देखेंगे मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी स्पेशली हम जो है आज फोकस कर रहे हैं प्री के ऊपर ये एचएस आपके एन टी टी डब्ल्ल्यू ओ जितने भी आपके बेसिकली एग्जाम्स हिमाचल का पोर्शन कैरी करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उसमें आपको ये हेल्प करेगा सिंस एक साल के हिमाचल के करंट अफेयर्स एक ही जगह पे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है ठीक है जी इसी के लिए हम आपको इसकी पी भी प्रोवाइड करते हैं जो आपको मिलती है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जब आप हमारी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर एक कोर्स बना है एच पी एस प्रीमियम्स टेस्ट सीरीज उसके कंटेंट सेक्शन में जाके फ्री रिसोर्सेज से आप जो है आ, सारी की सारी पी डाउनलोड कर सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो जो भी आपको ठीक लगे अपनी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल लगे उसको जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से पहली हमारी न्यूज़ थी मोबाइल वाटर टेस्टिंग वैन जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो गई तो फिर आपका क्या बना कि ये जो जीवन धारा मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं ये आपकी कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है इनको फ्लैग ऑफ किया गया या फिर स्टार्ट किया गया तो ये है आपकी जीवन धारा मेडिकल यूनिट्स अभी इसमें क्या है हमने क्या देखा कि हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट सोलन मंडी शिमला जहाँ वाटर बॉन्ड डिजीज बहुत ज़्यादा देखने को मिली और उनके केसेस जो हैं ढेर सारे आए तो इसी के लिए बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां पर आपके प्रॉपर वाटर टेस्टिंग सेंटर्स नहीं लगाए जा सकते या फिर चेक नहीं किया जा सकता तो उसी के लिए ये जो वैन है ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इट इज़ इक्विप्ड विद वाटर टेस्टिंग किट जो भी ज़रूरतें हैं पानी की क्वालिटी को चेक करने के लिए वो इसमें इक्विप्ड हैं और ये जगह जगह जो है जाकर पानी की क्वालिटी को चेक किया जा सकता है तो मैंने आपको अक्सर जल जीवन मिशन जो है उसमें मैं यही बताती हूँ कि ये टैप वाटर की बात करते हैं कि हर घर में जो है आपका जल पहुँचना चाहिए जो बेसिक नेसेसिटी है पानी की वो घर पे होनी चाहिए लेकिन इसकी जो गाइडलाइंस हैं उनमें से एक ये भी है कि वाटर का जो सैंपल है उसको टेस्ट करके देखना है कि उस कौन से सोर्सेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसका और वो हेल्दी है कि नहीं यानी कि पानी की जो क्वालिटी है वो भी लोगों तक अच्छी ही पहुंचनी चाहिए तो जैसा मैंने आपको बताया कि पांच आपके हाँ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर आपकी बहुत सारी वाटरबॉर्न डिजीज़ देखने को मिली शिमला सोलन मंडी चंबा और आपकी कांगड़ा स्पेशली यहाँ पर इन वैन्स को शुरू किया जाएगा रिमोट एरियाज के लिए प्राइमरीली इसको अभी शिमला में शुरू किया गया है ये आपके दो जो मिशन है जल शक्ति डिपार्टमेंट है और आपका नेशनल हेल्थ मिशन है यानी कि जल जीवन मिशन और आपका नेशनल हेल्थ मिशन इनका ये जॉइंट एफर्ट है ताकि जो क्वालिटी है पानी की वो भी यहाँ पर टाइम टू टाइम जो है चेक की जा सके नेक्स्ट हमारी न्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है डेनमार्क की हेल्प से एक डेयरी सेंटर खोला जाएगा ऊना में अभी ऊना जो है एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है चाहे हम इंडस्ट्रीज़ को देखें आपका अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट आपका बल्क ड्रग पार्क तो वो भी वहाँ पर खोला जा रहा है मेगा फूड पार्क हो गया सो so, इस तरीके से एक बहुत अच्छी लोकेशन है इस तरीके के बड़े लेवल के पार्क्स खोलने के लिए सेंटर्स खोलने के लिए अभी ऊना जो आपका डेनमार्क जो है वो एक्सपर्टीज़ रखता है डेयरी सेंटर्स में या फिर डेयरी में जहाँ पर वो टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं ऑटोमेटेड रोबोट्स हो गए जो कि आपका का उसको फीड करते हैं क्लीन करते हैं और मिल्क भी करते हैं सो so, इस तरीके से यही सारी जो हेल्प है यही उनकी एक्सपर्टीज़ को हमने ऊना के बसल या बासल विलेज जो है वहां पर ये बड़ा जो डेयरी फार्मिंग का सेंटर है हम वो खोलना चाहते ये पहला होगा अपनी तरह का पूरे नॉर्थ इंडिया में और हाई क्वालिटी की जो हाई क्वालिटी ब्रीड्स हैं काओ की वो वहाँ पर रखी जाएंगी। सो हैंस प्री फैट बिकम्स ऊना ऊना जो है वहाँ पर इसको खोला जा रहा है और मेंस में आप इसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो जैसे कि किस तरीके से हम बाहर वाली कंट्रीज की हेल्प लेते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए किस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और एलाइड सेक्टर है वहां पर हमें टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी देन नेक्स्ट हमारी न्यूज है इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए अभी क्या है हिमाचल प्रदेश में चार नए इंडस्ट्रियल एरियाज और टोटल जिसका एरिया रहेगा 1100 सौ बिगा उनको डेजिग्नेट किया गया जिसमें से तीन सोलन में है एक आपका ऊना में है मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आपका जब हमने कोविड देखा तो उसके बाद में इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो हिट किया ऑलमोस्ट हर सेक्टर ही किया लेकिन इंडस्ट्रीज भी किया इसको रिवाइव करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने बहुत कुछ किया है हिमाचल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर खासा एक जो है नज़र डाली और इनको इसमें बहुत सारे चेंजेस किए इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें चेंजेस आए इस तरीके से डेजिग्नेटेड पार्क्स बनाए गए बल्क ड्रग पार्क है उसको भी जो पूरे भारत में तीन ही लगने वाले हैं उनमें से एक हिमाचल में यहाँ पर लग रहा है राइट तो इंडस्ट्रियल एरिया जो है नया वो भी यहाँ पर खोलने की बात की गई सोलन में और ऊना में अभी इसमें क्या है इसमें आपकी जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट रहते हैं मंजोली है नालागढ़ में देन वी टॉक अबाउट मालकू वो भी बद्दी में है खदीन कसौली में और द लास्ट वन इज़ अम्ब जो है आपका ऊना में so यहां यह सो यहाँ पर ये आपके 1100 सौ जो है वो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके सबसे पहले बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी इम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज आएंगी फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज की मैं बात करती हूँ स्पेशली जब इंडस्ट्रीज की हमने पॉलिसी पढ़ी थी तो इस तरीके से आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा इसके अलावा भी जैसे हम मेडिकल डिवाइस पार्क जो है नालागढ़ में वो खोला जा रहा है डिफेंस पार्क है बल्क ड्रग पार्क मैंने आपको लास्ट टाइम बनाया था बताया था इस तरीके से जो भी आपका इंडस्ट्री सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पर एक जो एक इंपॉर्टेंट हम अपने पैर जो हैं वो जमा रहे हैं एज इन अ मैन्युफैक्चरिंग हब क्योंकि हमारे पास में जो शिवालिक्स का एरिया है यानी कि जो लोअर ऑल्टीट्यूड पे है दोज आर प्लेन एरियाज वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपर की जा सकती है और वहाँ पर पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है हिमाचल के पास में बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं हमारे पास में पावर है शक्तियाँ नहीं हमारे पास इसमें बिजली है ठीक है और फिर है हमारे पास पानी ढेर सारा हमारी बहुत अच्छी गवर्नेंस है हम सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की बात करते हैं रेड रेड टिपिजम यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते तो ईजीली जो है इन्वेस्टर आके यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है इसके फायदे जो है हिमाचल की इकोनॉमी को भी ठीक ठाक देखने को मिलते हैं सो so, इस तरीके से जितना बेसिकली कोविड के बाद में इंडस्ट्री सेक्टर पे पुश किया गया या इसको यहाँ पर ढेर सारी इंपॉर्टेंस दी गई वो इकलौता यही सेक्टर था क्योंकि देखा जाए तो टूरिज़्म भी बहुत हिट हुआ है ना पर टूरिज्म सेक्टर के ऊपर इतना काम नहीं किया गया जितना इंडस्ट्रीज के ऊपर किया गया नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है सिस्टम फॉर ऑनलाइन सेल फॉर हिमाचल फार्म प्रोड्यूस अभी यहाँ पर ये बेसिक सी एक न्यूज़ है जिसमें हम बात करते हैं कि हिमाचल में प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना चलती है जो कि बेस्ड है सुभाष पालेकर की नेचुरल फार्मिंग टेक्निक से तो यहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स जो हैं उसको आ, क्या करते हैं उसको अप्लाई करते हैं अपने अपने जो भी उनका एग्रीकल्चर है और फिर हम क्या देखते, है? कि देखते हैं कि उनको मार्केटिंग प्रॉब्लम्स आते हैं तो अब ज़रूरी नहीं है सब लोग जो है ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग से कुछ खरीदना चाहते हैं कई लोग बड़ी लाइक like, बेसिक सी अपना यूजल टमाटर खरीदना चाहते हैं नहीं चाहते है वो कि uh, कुछ महंगा एक्स्ट्रा उनको मिले सो so, इसी तरीके से उनके लिए जो भी फार्मर्स इस वाली टेक्निक को फॉलो करते हैं उनके लिए अलग से एक एक्स्ट्रा जो है एफर्ट यहाँ पर शुरू किया गया है जहाँ पर एक ऑनलाइन सेल uh, का सिस्टम इसमें शुरू किया गया ठीक है जी नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है ड्राफ्ट शिमला डेवलपमेंट प्लान की अभी इसमें क्या बात की गई है तो शिमला में टाउन प्लानिंग की बहुत ज्यादा कमी है शिमला में हम क्या देखते हैं कि बहुत सारा लाइक खचपच सी हो गया है ना मेन शिमला की अगर हम बात करते हैं ढेर सारी बिल्डिंग्स अनऑर्गेनाइज तो इसके लिए एक प्लान आया जिसका नाम है शिमला डेवलपमेंट प्लान कैबिनेट इसको बहुत बार अप्रूव करता है इसमें 2017 में जैसा हुआ था एन जी टी दैट इज़ आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल उन्होंने यहाँ पर अपना हाथ उड़ाया और बोला कि ये तो नहीं होगा ये क्यों नहीं होगा क्योंकि हैप हेजर्ड कंस्ट्रक्शन को चेक करना उनका काम है टाउन में हिमाचल आपका कहाँ आता है किस में आता है सिस्मिक जोन हमें देखने को इसमें मिलते हैं और इस तरीके की बहुत सारी यहाँ पर एक्टिविटीज हैं लेकिन हिमालयाज हैं अनस्टेबल हैं तो जब हम इस तरीके की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है या फिर आने वाले टाइम में कोई भी अगर वहां पर नेचुरल डिजास्टर होता है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसिस हैं वो बड़े हो सकते हैं तो एन इन्हीं चीजों को चेक करता है तो उन्होंने मना कर दिया अभी फिर से पिछले साल हमें क्या देखने को मिला कि इसको नोड मिला इसमें ये बात करता है कि आपके हम चार सैटेलाइट टाउन बनाएंगे सैटेलाइट टाउन क्या है अब ये है आपका मेन शिमला यहाँ के इनके पास वाले जो एरियाज हैं जैसे आगे आपका फागू नालदेरा चमियाणा और गंदाल तो इनको जो है इनमें बेसिक चीज़ें जो हैं उनको डेवलप किया जाएगा टूरिस्ट के लिए फिर यहाँ पर इनको कनेक्ट किया जाएगा वाया जॉगिंग ट्रैक्स स्काई ब्रिजेस हो गए हेरिटेज पार्क्स जो हैं या हेरिटेज ट्रेल जो है यहाँ पर बनाई जाएगी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा फ़ायदा क्या होगा जो मेन शिमला है वहाँ से टूरिस्ट का जो इन्फ्लक्स है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा थोड़ा सा वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा और इन चार सेटेलाइट टाउन्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आएगा और शिमला में हमें प्रॉपर वहाँ पर हो जाएगा ऑलरेडी शिमला में कुछ कुछ जो है री आपके ऑब्लिगेशन हैं इंस्ट्रक्शन हैं बैंड कंस्ट्रक्शन है जैसे कि आप दो फ्लोर से ज़्यादा नहीं यहाँ पर बना सकते एंड देन जो पार्किंग फ्लोर्स हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन हैं शिमला डेवलपमेंट प्लान इसके इस तरीके से प्लान बनाया गया था फिर फिर क्या हुआ ठीक एक महीने के बाद में इसको स्क्रैप किया गया और एन ने क्या कहा कि नहीं जी नहीं कोई भी यहाँ पर नहीं बनेगा अगेन रीजंस आपके वही हैं वही इसमें बात की गई है कि आपकी ये जो है एक बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट यहाँ पर बनी हुई है और ये जो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है आने वाले टाइम में सो so, ये आपका था नेक्स्ट हमारी न्यूज है शिमला में अब अगेन हम इतनी बड़ी टाउन प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं लेकिन छोटे लेवल पर वहाँ पर चीज़ें की जा रही हैं जिसमें से एक आपका प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इसमें बहुत सारे काम किए जा रहे हैं जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि जाखू में पहला एस्केलेटर जो है इंस्टॉल किया गया तो अगेन अगर हम प्रॉपर टाउन प्लानिंग नहीं कर सकते तो स्मार्ट सिटी तो बना सकते हैं और उस कंजेशन को थोड़ा मैनेज कर सकते हैं क्योंकि इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है स्पेशली पंजाबीज जो हैं इतने सारे वहाँ पे जाते हैं ना तो उसको मैनेज कैसे करना है यही आपके एस्केलेटर्स हो गए स्काई uh, ब्रिजेस हो गए ट्रेल्स बनाए जाएंगे जैसे ऊपर अगर हमें मेन मॉल के ऊपर जाना हो तो तिब्बे मार्केट से होते हुए जाएंगे तो वो जो ट्रेल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाएगा खूबसूरत तरीके से बनाया जाएगा अगेन ये जो है आपका जो प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट किसने लिया था रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन और उन्होंने वहाँ पर एस्केलेटर जो है वो देखा जो है वहाँ पर लगाया ये मैंने भी नहीं देखा है अभी तो आप जब जाएंगे तो देखिएगा नेक्स्ट हमारा आता है अगेन इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज के लिए पिछला साल बहुत ही ज़्यादा लाइक आई किन से लकी रहा है बहुत ज़्यादा काम हिमाचल में किया गया है उसमें से क्या है कि पंद्रह साल पहले एक टेंडर जो है वो फंसा हुआ था वो किस चीज़ का था वो था चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन का अभी हिमाचल में अगर हम रेल की बात करें तो उतना ही काम हुआ है जितना आपके गोरे करके गए थे ब्रिटिशर्स करके गए थे उसके बाद में ज़्यादा कुछ जो नई लाइन्स है वो नहीं बिछाई गई है ना उसमें से एक है चंडीगढ़ बद्दी रेल लिंक अब हम क्या देखते हैं कि हिमाचल की जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ सो so, वहाँ पर कम से कम दो हजार पच्चीस सौ के पास में इंडस्ट्रीज़ हैं उनका कॉस्ट जो है वो वेरी डिफरेंट है अगर वाया रोड लेकर आना हो कुछ और अगर रेल वहाँ पर रेल लाइंस जो है वो बच जाती हैं इससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ईजी हो जाएगी इसमें हम क्या करना चाहते हैं इस इंडस्ट्रियल हब को जो हमारा अभी ऑलरेडी चल रहा इंडस्ट्रियल हब है उसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर से जिससे कि हिमाचल स्टेट के इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमें बूस्ट देखने को मिले इसमें बहुत सारे इश्यूज़ थे जैसे कि लैंड एक्यूजेशन थे और उनके जो एक्विजेशन थे उनके कॉस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई थे बीच में हरियाणा भी आता है वो अपने रिसोर्स को पूल करने के लिए मना कर रहा था कि हम लोग नहीं करेंगे तो फाइनली जो है इसको यहाँ पर नोट दिया गया कि अभी इसको बनाया जाएगा इसी के बीच में साथ साथ में हम एक और अच्छी चीज़ देखते हैं कि बी बी एन बेल्ट जो है आपकी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भी पार्ट बन गई जो कि सेंटर का है ये तो अपने अपना रिसोर्स है जो भी करना चाहते हैं आपका नॉर्दर्न रेलवेज ने यहाँ पर इसको फाइनली फ्लोट किया टेंडर को लेकिन जब सेंटर इसमें आ जाता है तो थोड़ा और यहाँ पर सपोर्ट हो जाएगा और ज़्यादा जो है ये इंडस्ट्रियल आपका जो बेल्ट बना है ये इस तरीके से अमृतसर से कोलकाता है ये जो है यहाँ को एड कर जाएगा अगेन इसके फायदे वही हैं जो आपका इंडस्ट्री सेक्टर है वो फ्लोरिश करेगा बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिलेगी लॉजिस्टिक्स में हेल्प मिलेगी जॉब्स आएंगी और इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पर होगा हेंस जो आपका बी बेल्ट है वो कनेक्ट कर जाएगा मेन इंडस्ट्रियल इंडिया के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से तो ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल हब उसको हम कहते हैं आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरिंग हब उसको हम सबसे बड़ा एशिया का नेक्स्ट न्यूज़ आती है मंडी स्टेट जो है वहाँ पर बच्चों का हसल जो है उसको कम किया जाएगा हासिल बड़ा सारा करते हैं हसल हासिल दोनों कदम तो अभी हिमाचल की अगर मैं बात करूं वहां पर एक ही यूनिवर्सिटी थी दैट इज़ एच एच के अंडर आपके 12 ज़िले आते थे अब एच का जो मेन है वो शिमला में है और अब लाहौल स्पीति से भी किसी यूनिवर्सिटी से किसी बच्चे को अपना छोटा सा भी काम करवाने के लिए आना तो उसको शिमला आना पड़ता था यानी कि बहुत ही बेसिक सा भी काम रहेगा तो ही हैज़ टू ट्रैवल टू शिमला इसी के लिए आपका मंडी स्टेट में जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है उसको मेन यूनिवर्सिटी यहाँ पर ये बनाया गया इसमें आपके पांच मेन जो अगेन हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसमें आएंगे वो आ गए लाहौल एंड स्पीति मंडी चंबा कांगड़ा और कुल्लू तो ये जो आपके पांच डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंडर आएंगे यूजुअली जो सारे के सारे पहले कॉलेज थे दे वर एफिलेटेड बाय एच पी यू नाव सम ऑफ देम लाइक फाइव ऑफ देम विल बी एफिलेटेड बाय सरदार पटेल यूनिवर्सिटी अगेन वही है जो भी बच्चों का छोटे छोटे ग्रेवियंसिस हैं या छोटे प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितने भी कॉलेज हैं इनके दे विल कम अंडर अगेन सरदार पटेल यूनिवर्सिटी नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है पालमपुर साइंस सेंटर जो है ओपन किया गया तो सबसे पहले नाम में ही है ऐसे पूछ लिया जा सकता है प्रीमे साइंस सेंटर हिमाचल का सबसे पहला कहाँ पर खुला तो वो पालमपुर में यहाँ पर अगेन ये अनुराग ठाकुर जी जो हैं उन्होंने इसको इनागरेट किया और ये बात करता है बच्चों में साइंटिफिक टेम्परमेंट लाने की यानी कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसका रोल उसका एप्लीकेशन मेन लाइफ में बच्चों को थोड़ा सा इंस्पायर करने के लिए यहाँ पर इसको खोला गया है इसमें आपके साइंस म्यूजियम्स भी रहेंगे उसके अलावा इसमें एक थीमेटिक गैलरी है जो इसकी अट्रैक्शन रहेगी जिसका टाइटल है अनटेम्ड अर्थ अगेन बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती है प्लानिटोरियम होता है इनोवेशन हब है साइंस पार्क है फन सिटी गैलरी है तो हिमाचल से भी जब हम बच्चों को स्कूल के बच्चों को लेके जाते हैं ट्रिप वगैरह पे तो कहाँ तो बहुत दूर दूर साइंस सिटीज़ है जलंधर हो गया आपका देन उससे आगे ही है सो दिस विल बी मोर ऑफ एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पर बच्चे विजिट कर सकते हैं और जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से साइंस दे कैन भी क्योंकि यंग माइंड्स हैं तो उनके ऊपर फोकस किया जाए तो दे विल बी फैसिनेटेड हाउ साइंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन देयर लाइफ्स देन कम्स आर नेक्स्ट न्यूज़ अगेन फिर से बीबीएन बेल्ट की है यहाँ पर हिमाचल का पहला एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो इंस्टॉल किया गया तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अच्छी कोई जगह हो नहीं सकती थी इसको इंस्टॉल करने के लिए क्योंकि सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है हमें इन्हीं एरियाज में जो आपका इस सोलन का एरिया है बी बेल्ट वहीं पर देखने को मिलता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या देखा कि यहाँ पर हम लोग बद्दी में पहला स्टेट का ये एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाएंगे बहुत सारी चीज़ों को वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स हो गए और भी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर देखता है जैसे कि आपका पार्टिकुलेट मैटर पी एम टू पॉइंट फाइव है टेन है देन वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ओजोन अमोनिया इन सब के एयर में कितनी कितनी जो है क्वालिटीज़ हैं उनको देखता है इनका रेंज जो है वो कितना कितना है उसको देखता है क्योंकि हमें क्या है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन देखने को मिलता है वह वहक्यूलर एमिशंस हैं देन अगेन हमें और भी अलग अलग तरीके के पोल्यूशन देखने को मिलते हैं सो so, इसमें अच्छा कुछ परफॉर्म नहीं किया जब आगे देखा गया सब जो जो बद्दी है काला अम नालागढ़ पाउटा साहिब परमाणु सुंदरनगर इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बुरी है एयर क्वालिटी एंड दे हैव फेल टू डेयर द एम्बियट एयर क्वालिटी नॉर्म्स हेंस फर्स्ट जो आपका मेन मोटिव होता है पता करना कि एयर जो है कैसी है नहीं है आने वाले टाइम में उसमें फिर जो है अवेयरनेस लाई जाती है लोगों में या फिर उसके काउंटर मेजर्स जो है यहाँ पर लिए जाते हैं लेकिन उसको सबसे पहले मॉनिटर करने के लिए कुछ होना चाहिए उसी को यहाँ पर शुरू किया गया फिर आ गया आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये आपका नेशनल लेवल पे चल रहा है इसी के रिगार्डिंग कि किस तरीके से हमें एयर को क्लीन यहाँ पर रखना है और कंसंट्रेशन आपके जो पार्टिकुलर मैटर की है उसको कम करना है आने वाले टाइम में तो ये जो आपका प्रोग्राम है ये सभी की कोलेबोरेशन है सिंस जो एयर है वो सब लोग ब्रीद कर रहे हैं तो फिर आपका ट्रांसपोर्ट हो गया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है एनर्जी है रिन्यूएबल एनर्जी आ गया आपका एग्रीकल्चर आ गया नीति आयोग सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इन सब लोगों ने मिलके आए आगे आए, किया और इसके ऊपर काम जो है यहाँ पर किया जा रहा राइट right? आज की लास्ट न्यूज क्या है तो लास्ट न्यूज जो है ये कहती है कि uh, शिमला में एक आइस स्केटिंग रिंक है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा आइस स्केटिंग रिंक इसको बनाने की बात की जा रही है ये आपकी थोड़ी सी टूरिज्म रिलेटेड भी न्यूज है तो टूरिज्म में हम लोग क्या बात करते हैं पिछले साल में एक हमें देखने को मिला कि स्टो स्नो टूरिज़्म से बहुत ज़्यादा ऑपसेस्ड हैं हिमाचल यानी कि हम चाहते हैं आने वाले टाइम में जितने भी आपके विंटर स्पोर्ट्स हो और जब भी उनके डेस्टिनेशन के बारे में सोचा जाए नेशनल हो या इंटरनेशनल हो तो लाहौल स्पीति ये वाला एरिया हमारे दिमाग में आए या फिर जब हम आइस स्केटिंग की बात करें तो शिमला आए तो इसमें कुछ जो है चेंजेस किए जा रहे हैं ताकि इसको थोड़ा सा और बड़ा किया जाए और एडवेंचर टूरिज्म को यहाँ पर थोड़ा सा और अट्रैक्ट किया जाएगा इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जैसे कि इसको शुरू किसने किया था तो एक दिन क्या हुआ आपके जो आयरिश मिलिट्री ऑफिशियल थे जिनका नाम था ब्लेसिंगटन लेट नाइनटीन की बात है वो वहाँ पर घूम रहे थे और उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे नेचुरली uh, जो है आपकी आपका जो पानी है नेचुरल वाटर है वो फ्रीज़ कर गया था वो जो है वहाँ पर आइस बन चुका था और फिर वहाँ पर उनको एक आइडिया आया कि ये तो नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक यहाँ पर बन सकता है अभी जो है ये इस तरीके का कुछ दिखता है और इसको इस तरीके का एरिना यहाँ पर बना दिया गया है अगेन इसको हम बड़ा करना चाहते हैं और एशियाटिक लेवल पे इसको हम प्रमोट करना चाहते हैं किसी भी तरीके के अगर गेम्स हो कंपटीशन हो तो आने वाले टाइम में आइस स्केटिंग के रिगार्डिंग शिमला को याद किया जाए वो दिमाग में सो दैट इज इट फॉर टुडे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग